डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट 10 to 12 डेज आपके पास रिमेनिंग है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी लास्ट 10 डेज के लिए, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, कैसे मेंटल सेटअप तैयार करेंगे, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ के जरूरी है जाना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आज के वीडियो में आपके पास लेके आया हूँ एम्स के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, एम से रिलेटेड कुछ खास बातें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है कंडीशन की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर बात करता हूं तो 60 क्वेश्चन फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री और 60 क्वेश्चन आपको जो है वो बायोलॉजी में दिखाई देते हैं, 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं कंडीशन की, अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि जब आप परसेंटाइल देखेंगे एम्स में, जब आपका कटअप का कंडीशन आएगा, जब आप रैंकिंग बने, आपका रैंकिंग तैयार होगा, तो रैंकिंग बनते टाइम आपका परसेंटाइल काउंट होगा, परसेंटाइल में सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी वो बायोलॉजी की होगी। तो इसलिए मैं थोड़ा बायोलॉजी की पहले बात करूं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूं तो बायोलॉजी में 60 out of 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। सो बहुत नेसेसरी है कि आप एनसीईआरटी को एक बार लर्न करें, और एनसीईआरटी को आप खास करके उस टॉपिक को लर्न कीजिए जो टॉपिक आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे अगर मैं एम्स की पर्टिकुलर बात करूं तो एम्स के लिए आप जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से देखिए, चाहे वो मेंडेलियन जेनेटिक्स हो, चाहे मॉलिकुलर जेनेटिक्स हो। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी, जहां से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, इवोल्यूशन, अभी नीट में भी आपने देखा था 7 to 8 क्वेश्चन इवोल्यूशन से था, काफी अच्छा वेटेज था। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 12th क्लास है, जहां से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। तो ये कुछ स्पेशल पार्ट है जहां पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको लास्ट डे में, लास्ट 10 डेज में इसको एक बार रिव्यू करके जाना जरूरी है। खास करके एनसीईआरटी के वो लाइंस जरूर देखने हैं जिसको आपने पढ़ते टाइम अंडरलाइंस कर रखे हैं। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं अपनी सब्जेक्ट के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो केमिस्ट्री में कुछ आपके लिए रामबाण पहले मैं बता देता हूं। आपको टोटल 6 चैप्टर में काउंट कर रहा हूं, जिसमें आप 11th क्लास से एनवायरमेंट केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके पास जो है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 12th क्लास, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री और प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन, जिसको आप मेटलर्जी बोलते हैं। ये ऐसे चैप्टर हैं जिसको आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देख के जाना है। आप बिलीव कीजिए, आप प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 to 15 ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, तो जब आप 10 to 15 ईयर का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चन इस 6 टॉपिक को कवर कर रहा है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी लैंग्वेज। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ओवरलुक जब भी आप कर रहे हैं, जब भी आप फाइनल टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी के इन चीजों को जरूर पढ़िए, बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आप थ्योरी में बहुत टाइम 10 डेज में वेस्ट मत कीजिए। आपको जहां से थ्योरी का पोर्शन टफ लगे, आप उस थ्योरी के एप्लीकेशन को पकड़ लीजिए, और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला देखिए, और फॉर्मूला के देखने के बाद जो है वो आप उसके एप्लीकेशन पे जाइए, और उससे रिलेटेड 8 to 10 क्वेश्चन आप कर जाइए, वो कॉन्सेप्ट जो आपको टफ लग रहा था अब तक वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे लास्ट 10 ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है ना, आप उसको जरूर देखिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपने नीट का भी क्वेश्चन देखा होगा, एक चीज आपको आइडिया आया होगा। ये आइडिया क्या है? ये आइडिया ये आया होगा कि जो अब तक IEEE का क्वेश्चन होता आया, पेपर होता आया, या उसके अलावा जेईई मेंस का जो पेपर होता आया, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन नीट और एम्स में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर टाइम आपको मिलता हो तो एक लुक जरूर कीजिएगा उस क्वेश्चन को, हो सकता है उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो केवल ऑप्शन का मार्जिन रख के डायरेक्टली क्वेश्चन बना दे, जरूर देखना है, बहुत जरूरी पोर्शन। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक सेक्शन में और पी ब्लॉक, ये 3 पार्ट को सबसे ज्यादा देखिएगा। और जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और पी ब्लॉक, तो एक कॉमन बात मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, फॉर्मल चार्ज,
ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, हाइब्रिडाइजेशन, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जरूर नजर मारिएगा, जहां से दो तीन क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। इसके अलावा अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स में आप बहुत अच्छा वेटेज लेके जाइएगा। जैसे मॉडर्न फिजिक्स, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं या एटॉमिक फिजिक्स फिजिक्स की बात करूं तो लगभग लगभग 10-11 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो आपको ऐसे पोर्शन को जरूर कवर करना है। मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और पिछले लास्ट कुछ 3-4 ईयर्स में एक क्वेश्चन और आपको देखा जा रहा है, थर्मोफिजिक्स से क्वेश्चन, जहां से 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप ऐसे टॉपिक को जरूर लास्ट टाइम में पढ़ के जाइए, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रोटेशनल, SHM, ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी पावर, जहां से क्वेश्चन के बनने की संभावना सबसे ज्यादा दिख रही है, मैकेनिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो। ऑप्टिक्स में खास करके रे ऑप्टिक्स का पार्ट आप जरूर अच्छे से देखिएगा, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स से थोड़ा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कम और सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा साधारण कॉन्सेप्ट पता है। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर कैपेसिटर, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं। और इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो आप सर्किट को देख के जाइएगा, क्योंकि सर्किट से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी जो आपकी होगी पढ़ने की एम्स में, ये यही होना चाहिए। आप बिल्कुल थ्योरी को ना पढ़ें, केवल केवल उस थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करें जो आपको टफ लगे। जो पोर्शन आपको टफ लगता है वहां रिवाइज करें, और अगर आपको कोई लगता है कि ये पोर्शन मुझे समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो 5-7 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल तुरंत फटाफट तेजी से कर लें, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और एक बार ओवरव्यू लास्ट 2 नाइट जो आपके पास बचेगा, उसमें जितने सारे फॉर्मूले आपने बना रखे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के फ्लो चार्ट, वो सबको देख जाइए, और बायोलॉजी में जितने फ्लो चार्ट हैं उन सब फ्लो चार्ट को देखने की कोशिश कीजिए। खास करके चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं, चाहे एनिमल फिजियोलॉजी की बात करूं, फ्लो चार्ट को एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अपने आप में ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।